गति देने के लिए मैं अपने गुरु, अपने भगवान, अपने आइडियल, अपने भाई, अपने माँ बाप सब कुछ इन्हें मानता हूँ। जैसे जैसे बताते गए उस रास्ते में मैं चलता गया, आज मैं आप लोग के सामने हूँ, बोल पा रहा हूँ। लेकिन वो सारा श्रेय जाता है अजय सर को। मैं कुछ देर न करते हुए आप लोग को जोरदार हल्ला गुल्ला के साथ, सीटी के साथ आप लोग खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों के साथ और कुछ सीनियर साथियों के साथ अजय सर को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। जोरदार सरना सर खड़े जाइए, सारे डांस करते हुए और हल्ला गुल्ला ताली बजाते हुए अजय सर को सम्मानित किए। हुआ करती थी, मुझे मेरे तीन मित्रों ने बड़े प्यार से पटक के मुझे ज्वाइन करा दिया गया। 3 पैंट शर्ट मुझे मिला। 3 पैंट शर्ट जब मैं लेके घर पहुंचा, घर में झगड़े शुरू हो गए क्योंकि मेरी मिसेज के पिताजी सुल्तान मेजर से रिटायर है आर्मी से, वो भी पहले आसम ज्वाइन थे। वो बोले कि मेरे पापा ज्वाइन थे, चाचा ज्वाइन थे, कुछ नहीं आता हम की भाग्यवान आता जाता मेरे को नहीं मालूम। अगर तू ये बैग वापस करेगी तो ये 5 पैंट शर्ट भी ले जाएंगे। तो जो बचा है ना वो रख ले। तो मैंने 3 पैंट शर्ट रख लिया। रखने के 6 मिनट तो मैं गालियां देता रहा। अचानक मेरे घर में एक व्यक्ति का आगमन हुआ, एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जो हवाई जहाज की नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर रहे थे इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे जेट एयरवेज अभी बंद हो चुकी है 2 साल पहले, नौकरी को रिजाइन करके आरसीएम कर रहे थे। और हमारे जिले के सबसे अच्छे किसान थे, 90 एकड़ खेत, राइस मिल का कारोबार, सब कुछ था उनके पास। उसके बाद भी आरसीएम कर रहे थे। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली कि या तो ये व्यक्ति पागल हो गया है या तो कुछ पा गया है। हेलो, कुछ तो होगा भाई। आपके शरीर में 2 चीजें हमेशा चलती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है। अरे बाहर कितना भी नेगेटिविटी हो, अगर अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर की नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती आपका। Yes, yes. तो अंदर की पॉजिटिविटी आपको कामयाब बनाती है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक बार एक छोटा बच्चा घूमते हुए गया, एक गुब्बारा बेचने वाला व्यक्ति गुब्बारा बेच रहा था। अब वो क्या किया, रस्सी में बांध बांध गुब्बारा लगाया हुआ था। तो बच्चे ने आया बोला कि भाई मेरे को गुब्बारा चाहिए। तो उसने झोले में से गुब्बारा निकाला और उसमें हवा भरनी शुरू करी। तो बच्चा रोने लगा, बोला नहीं ये नहीं, उड़ने वाला चाहिए। क्या बोला? उड़ने वाला चाहिए। बोला मैटर ये नहीं बेटा, सुनो मेरी बात, ये गुब्बारा सब उड़ते हैं, ये कलर से नहीं उड़ते, ये अपनी खूबसूरती से नहीं उड़ते, क्योंकि हर गुब्बारे में जब तक हवा नहीं होगी ना ये गुब्बारा अपने कलर से नहीं उड़ता, अंदर भरी हुई हवा से उड़ता है। तो यदि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यस, अब एक चीज समझना क्या है आपको, एक व्यक्ति यहां पे आया, 2 व्यक्ति आए, 10 व्यक्ति आए, 100 व्यक्ति आए, 500 व्यक्ति जो भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सभी के सभी मूर्ख होंगे? कोई डॉक्टर आया था? यस, कोई प्लम्बर वाला आया? अच्छा, 1-2 व्यक्ति को मूर्ख बनाया सकता है, क्या सभी मूर्ख रहे होंगे? इतनी तो बात समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। यस yes? तो मैं आपसे वो बात करने वाला हूं फास्ट, 20 मिनट मात्र। कितने मिनट? मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। ये बिजनेस जब मुझे समझ में आया तो कैसे आया,
मेरे जब सीनियर क्लाइंट आए मेरे घर पे और बोले कि दुबे जी ये जो बिजनेस है ना ये एक बहुत ही अनोखा बिजनेस है। आज के बहुत साल पहले जब जब कोई चीज हिंदुस्तान की धरती पे आती है तो हिंदुस्तान में नया होता है लेकिन विकसित कंट्रियों में ये पुराना होता है, क्योंकि हम उन देशों से किसी देश से 70 साल पीछे हैं, किसी देश से 80 साल पीछे हैं, किसी देश से 100 साल पीछे चल रहे हैं। तो अगर हमें विकास करना है तो हमें जो लोग विकसित हैं उनसे सीखना पड़ेगा, न कि पाकिस्तान से। सीखना किससे? हेलो, सीखना किससे? जो विकसित कर चुके हैं उनसे सीखें कि जो रोज बम फोड़ रहे हैं उनसे सीखें? सफल व्यक्ति सीखना चाहिए ना। उन्होंने बोला देखिए जो ये कॉन्सेप्ट आया है ना, ये कॉन्सेप्ट 1930 से कनाडा से स्टार्ट हुआ है। और ये क्यों स्टार्ट हुआ? उन्होंने बताया कि हर चीजों में बदलाव होता जा रहा है, मार्केटिंग में भी बदलाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिंदुस्तान में एक मार्केटिंग थी खरीदारी करने का, जिसको बोलते थे आदान और प्रदान। क्या बोलते थे? आदान प्रदान। हमारे घर चावल, आपके घर गेहूं, तो हम लेके कहां चलाया करते थे? अगर यहाँ पर बैठे होंगे कुछ 60-70 साल के लोग तो आप समझ सकते हैं कि आपकी अगर शादी और तिलक हुआ होगा ना तो टेंट का नहीं आया होगा, खाट फाट कहां से आया होगा? वो पास पड़ोस से आया था, सही है? वो आदान प्रदान का सिस्टम था उस जमाने में, जब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, जब रोड नहीं हुआ करते थे, जंगल झाड़ियां हुआ करती थी, सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में एक ही मार्केटिंग हुआ करती थी जिसको बोलते थे आदान प्रदान। यस, उसके बाद फिर एक नई मार्केटिंग शुरू हुई जिसका नाम है मारवाड़ी सिस्टम। उस समय एक कहावत कही जाती थी कि जहां न पहुंचे गाड़ी, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। यस, क्या बोलते थे लोग? जहां न पहुंचे गाड़ी, जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी, इन मारवाड़ी लोगों ने लोगों को बिजनेस करना सिखाया, इन मारवाड़ी लोगों ने लोगों को नमकीन खाना सिखाया, इन मारवाड़ी लोगों ने लोगों को चाय, जो भी पापड़ आप खाते हो ना ये उनकी देन है। पूरी दुनिया में बिजनेस के नाम से जाने जाते हैं। सबसे बड़ा अगर ब्रांड है ना ये मारवाड़ी सिंधी गुजराती है। इन्होंने पूरी दुनिया को मार्केटिंग करना सिखाया। उस जमाने में जब जंगल झाड़ी हुआ करते थे, रास्ते नहीं थे, पहाड़ हुआ करते थे, ये अपने घोड़े, खच्चर, हाथियों, इन सबों के साथ सहयोग करके झुंड बना के मार्केटिंग किया करते थे। अब करते क्या थे? पैदा कुछ नहीं करते थे, कानपुर में जो पैदा होता था इलाहाबाद लेके जाते थे, और इलाहाबाद में जो पैदा होता था फरीदाबाद लेके आते थे। इस तरह घूमते घूमते तीन तीन साल, चार चार साल घूमते थे, चार साल बाद घर आते थे, खाली घोड़ा लेके निकलते थे और गट्ठर का माल लेके आते थे। हेलो, यस, हेलो, यस। फिर जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने नई मार्केट व्यवस्था स्टार्ट की, नई मार्केट व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरावादी मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, अब ये देखें, ये जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी माल बनाती 80 पैसे 20 पैसे, कंपनी बेनिफिट लेके 1 रुपए का प्रोडक्ट तैयार करती है, इनको भी टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद सेल्डर, इनको मिलता है प्रोडक्ट 1 रुपए का, ये देते हैं 1 10 में, ये देते हैं 1 20 में, ये 1 40 में। अब यहां 50% कहां चला गया? एडवर्टाइज। ये कौन लोग होते हैं? प्रचारक लोग। ये जो पैसा लगता है ना ये करोड़ों रुपया है, 3 लोगों में जाता है, एक्टर, थिएटर और चैनल। अब जान के हैरान हो जाएंगे, एक एक्टर जब किसी फर्म को साइन करता है 1 ईयर ब्रांड एम्बेसडर, सबका रेट फिक्स है। जैसे हमारे घरों में किसी की 2 रोटी में पेट भरता है, किसी का 12 में, है ना? ये फिक्स है इनका। ये तो ये लेते हैं थिएटर, जो सिनेमा घर है, 3-3 सेकंड का वीडियो बनाते हैं, 3-3 सेकंड की मिक्सिंग वीडियो बनाते हैं और 3-3 करोड़ रुपया लेते हैं, ये भी जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मुफ्त में फिल्म देखते हैं ना, वो बीच में 3 घंटे की फिल्म 5 घंटे चलती है और 2 घंटा चलता है एडवर्टाइज, फ्री में नहीं चलता। एक एडवर्टाइज लेके जाओ पेन, इसका चलाना है 30 करोड़ दे दो भाई, 1 साल तक चलेगा, 1 साल के बाद नहीं दोगे दूसरा पेन चलेगा। हेलो, yes, ये पैसा किसका है?
क्या लगता है ये कंपनी घर से देती होगी? ये 50% पैसा यहाँ जाता है, ये 40 और 50 मिलके 90, यानी अगर 200 रुपए का सामान आप खरीदते हो तो कितना बीच में गया? 90। कहाँ चला गया? बीच में। अब हमारी हमारा सिस्टम क्या कहता है, ये जो पुरानी मार्केटिंग है ट्रेडिशनल बिजनेस बोली गई, इसके बाद इंडिया में एक सिस्टम स्टार्ट हुआ मॉल सिस्टम। क्या हुआ? मॉल। मॉल इससे बेहतर क्यों है? आप जानते होंगे कि मॉल क्या करता है, डायरेक्ट कंपनी से लेता है, इनसे नहीं लेता, इसीलिए ऑफर पे ऑफर देता है। लेकिन प्रचार इसमें भी होता है, ये प्रचार वाला माल ही लाते हैं। फर्क जानिएगा, यहां पे ये खर्चा बढ़ जाता है 40%, लेकिन ये वाला खर्चा यहां भी रहता है मॉल में, एडवर्टाइज वाला। सही गलत? यस। अच्छा, ये भी ग्राहक को रोजगार नहीं देते और ये भी ग्राहक को रोजगार। मॉल सिस्टम जब आया, ये नई जनरेशन आई, अगर आपको मौका मिले तो मॉल में जाना पसंद करेंगे कि फुटकर दुकानदार के? क्यों? सारा रेंज मिल जाता है। यस। एक तो मैडम को घुमा भी देते हैं, बच्चा भी उल्टा सीधा हो जाता है उसमें जाके। यस। मौका मिलते नहीं मिलता? यस। अब देखें तो ये मॉल प्रचलन बढ़ा, लोग इसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर इसके बाद हिंदुस्तान में एक नई टेक्नोलॉजी आई, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स। हेलो, आई कि नहीं आई? यस। अब जब ये ऑनलाइन सिस्टम आया तो ये क्या कहता है कि अभी तक मॉल में जाना था, अब घर पे अंगुली चलाओ प्रोडक्ट घर पे। सही गलत? Yes. और साथ में कुछ ऑफर भी। तो एक नई मार्केटिंग फिर स्टार्ट हुई जिसको बोला गया ऑनलाइन मार्केटिंग, लेकिन ये भी ग्राहक को पार्टनर नहीं बनाती, ये भी ग्राहक को रोजगार नहीं देती। लेकिन इसके बाद सबका बाप आ चुका है MLM बिजनेस, जो सामान नहीं देती, सामान के साथ रॉयल्टी भी देती है, सामान के साथ 1,00,000 महीने की इनकम भी देती है, और कहती है कि अगर इस बिजनेस के द्वारा मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या कहती है, यहां डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर होंगे, बीच में एक सिस्टम होगा जिसका नाम होगा RCM। RCM क्या करेगी? बीच के कंपनी और ग्राहक की कड़ी होगी। यस। अगर यहां 80 पैसे का माल बनता है, 20 पैसे कंपनी प्रॉफिट लेती है, 1 रुपए का सामान तैयार करके 1 रुपए 45 पैसे का देती है, लेकिन कहती है कि आज के पहले हमारे प्रोडक्ट को बताने वाले वो लोग थे जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, हमारे प्रोडक्ट को बताने वाले वो लोग थे जो कपड़ा हमारी कंपनी का पहनते नहीं थे, खाली दिखावा करते थे, झूठ बोलते थे, आज के बाद हम ही माल बनाएंगे, पहले भी हम माल बनाते थे, कंपनी का कहना है, पहले भी हम माल बनाते थे और आज भी हम माल बनाएंगे, यानी ये काम तो हमको करना ही करना है। लेकिन पहुंचाने का काम ये लोग करते थे बीच वाले, आज के बाद पहुंचाएगी भी कंपनी, यानी दो काम कंपनी करेगी, बनाना और पहुंचाना। और कंपनी कहती है कि आज के पहले हमारा ग्राहक सिर्फ सामान यूज करता था, आज के बाद सामान यूज करके अगर सामान की तारीफ करेगा तो 1,00,000,000 रुपया, 4,00,000,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के घर घर में बांट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि टाटा को आपने अमीर बनाया, पाटा को आपने अमीर बनाया, बजाज को आपने अमीर बनाया, हर किसी को आपने अमीर बनाया, जो अपने अमीर बनने की बारी आई तो क्यों चुप बैठे हो आप? हेलो। yes. आज तक के इतिहास में किसी राजा के समय में नहीं हुआ, किसी भी समय में नहीं हुआ कि आज के पहले किसी गरीब आदमी ने RCM जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हो और 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कभी नहीं हुआ। दादाजी पिताजी सामान खरीदते खरीदते जा चुके हैं, कभी आया पैसा? मेरी पहली चेक 112 रुपए आई थी, कितनी? मुझे 112 नहीं दिखता था, वो 1,00,000 दिखता था, क्योंकि आज तक मेरे दादाजी वो सामान खरीदने से कभी अठन्नी लौट के नहीं आया था, और वो 112 इसलिए आया था कि मैंने दुकान बदला था, और मुझे मालूम था कि आज 112 आया है कल 1,12,000 भी आएगा, और मेरे घर में जो इनकम आई आज तक वो 1,72,00,000 रुपए आ चुकी है। 1,72,00,000 पूरे जीवन में सैलरी वाला ना
30,000 के एवरेज से निकालिए कितना कमा लेता है। और अभी मेरे को 8-9 साल हुए और अभी मामला 1,72,00,000 आठ सालों में है, लेकिन आज एवरेज दूसरा हो गया है। ये जो 1,72,00,000 मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आज के 6-7 महीना पहले से जो एवरेज था, अभी तो महीने का 2,25,00,000 है, तो अगले 5 साल बाद कितना एवरेज आएगा, नेटवर्क बढ़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था यहां फरीदाबाद में 2-4 लोग थे, अब आज के रेट में 5,000 है, अगले 10 साल बाद ये 50,000 होंगे, तो एक महीने का भी 2,25,00,000 आएगा। यस, एक महीने का 2,25,00,000। आप लोगों ने रक्त बीज का नाम सुना है, रक्त बीज कौन, मोहल्ले का आदमी था कोई, राक्षस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राक्षस, जिसको दुर्गा जी ने वध किया था। रक्त बीज का नेचर क्या था जानते हैं, क्या था, उसके बूंद जितने गिरेंगे उतनी ज्यादा वो पैदा होता था। अरे रक्त बीज से भी खतरनाक हमारा बिजनेस है। एक व्यक्ति जुड़ता है फरीदाबाद में 5,000 लाता है, एक व्यक्ति को मैंने ट्रेन में प्लान दिखाया 500 लाया, एक व्यक्ति को मैंने प्लेन में प्लान दिखाया मुंबई में 800 लोग लाया। अरे ये एक व्यक्ति प्लेन में 2 घंटे के लिए मिलता है 800 लोग को देता है, रक्त बीज से खतरनाक है ये, है कि नहीं सर, यस खतरनाक है ये। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों सदियों से आज तक जो नहीं हुआ यह आज आपको कर सकता है। यस, लेकिन मामला क्या है, क्यों हम लोग नहीं कर पाते हैं। 1930 से कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर देश में फैला हुआ है, इंडिया के लिए नया है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं कहना चाहता हूं जिस तरह से आज के 70 साल पीछे अगर किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाती थी तो नौकरी को हेज दृष्टि से लोग देखा करते थे, नौकरी करना गुनाह था उस टाइम, लोगों को नहीं करते थे लोग, हट्ठे कट्ठे लोगों की शादियां हुआ करती थी उस जमाने में, नौकरी करने वालों की शादियां नहीं होती थी जल्दी, खेती करने वालों को तजबो दी जाती थी उस जमाने में। लेकिन आज थोड़ा लंगड़ा भी है ना, अरे मैं तो एक शादी देखने गया लखनऊ, मेरे मैं कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे इनवाइट किया गया, मैं जब गया मेरी मैडम भी गई, जब पहुंचे वहां मेरा दिमाग खराब हो गया, लड़की कहां लड़का कहां, कोई जोड़ नहीं। मैंने पूछा शादी कैसे कर रहे हो यार, तुम इतना सिंसियर पढ़े लिखे लोग हो, तुम लोग कभी पूछे इससे, बोला ये पूछना क्या है, लड़का बढ़िया डॉक्टर है, मैं देख के दम खा गया, एक साइड से पैरालिसिस, लड़की इतनी खूबसूरत मैं क्या बताऊं, इस वजह से खड़ा करिए उसको, खड़ा करिए, बस एक बात में शादी हो रही थी कि लड़का नौकर है डॉक्टर है। आप सोच के देखो, अरे जब आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के कोने कोने में नेटवर्क मार्केटिंग से काम करने वाले लोगों की इनकम 5-5 लाख रुपया महीना होगी और 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ की गाड़ियों से निकलेंगे, उनकी एजुकेशन नहीं होगी, कभी स्कूल नहीं गए होंगे, कभी उन्होंने कोई फॉर्म नहीं भरा होगा, अरे जिनको बोलने भी नहीं आता ना वो स्टार्ट करता है इस बिजनेस में और एक समय में 5-5 लाख महीना जाता है। आने वाले समय में हमारे आपके घरों के लोग उन लड़कों को ढूंढेंगे शादियों के लिए, होगा ये, एक जमाने में हर चीज चेंज होती है। अब चेक करके देखो, आज के 80 साल पीछे 90 साल पीछे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई लड़की हीरोइन बनने की बात करे, भाई की शादी नहीं होती थी उस जमाने में, किसकी लड़की तो नाचने गाने वाली बन गई, सही गलत। लेकिन आज के डेट में एक लड़का फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी सी अगर उसको रोल मिल जाए ना, पूरा खानदान चिल्ला चिल्ला बताता है कि मेरा लड़का कहाँ है, फिल्म सिटी में है, कहाँ है। मेरा एक मित्र मिला था मुझसे, वो बोला कि मैं फिल्म सिटी में काम करता हूँ। हम बोले कि क्या काम है तेरा, बोला आपने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में जो हीरो मार रहा था ना बोरे में, लातों से जो मार रहा था उस बोरे में ही था। बोला मैं तेरा पांव छू लूं, प्रमोशन भी किस चीज का है, बोरे में लात खाने को भी महान समझ रहे हैं लोग। अरे उसी फिल्म सिटी को एक जमाने में लोग हे दृष्टि से देखा करते थे, लेकिन आज उसी फिल्म सिटी के लोग हमारे सांसद और विधायक हैं। क्या है, क्या है सर, सांसद और विधायक हैं। लेकिन आज के 80 साल पहले उन्हीं लोगों के घरों में लोग खाना पीना नहीं खाते थे,
क्या ऐसा हो गया? ऐसा क्या हो गया? बदलाव। जब उनकी सक्सेस को लोगों ने देखा, उनकी उससे स्मार्टनेस को देखा, उनकी रैपो को देखा, तो हमारे और आपके घरों के पढ़े लिखे लड़के उसके लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख वाले कोर्स कर रहे हैं। सही गलत? यस सही है। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? yes. तो कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। 100 साल लगे फिल्म सिटी को प्रूव करने में कि हम सही हैं। कितने साल लगे? 100 साल लगे प्रूव करने में कि हम लोग सही थे। तो एक बात मुझे बताइए, अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में मात्र 20 साल हुआ, तो क्या इसको टाइम नहीं लगेगा? इसको भी टाइम लगेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आज आप समझ गए तो आने वाले समय का विताज बादशाह कौन होगा? सब कुछ अपना होता है। आज मैं देखिए आज आपके बीच में आया हूं, एक अकेला व्यक्ति मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया, 22 लोगों से मैंने स्टार्ट किया आरसीएम, 100 को प्लान दिखाया, 50 ने मना कर दिया, मेरे मामा ने मना किया, मेरे चाचा ने मना किया, मेरे जीजा ने मना किया, हर व्यक्ति ने मुझे पागल कहा, हर व्यक्ति ने मुझे बेवकूफ कहा, मैं सुना नहीं, मैं काम करता गया। 22 से कारवा 200 हुआ, 200 से 2500 हुआ, 250 से आज 18000 हो चुका है। 18000 लोग अगर नमक खाते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में, अगर मुंबई में नमक खाते हैं तो पैसा बना। 3 चीजें बदलनी है आपको। पहला क्या बदलना है? दुकान। क्या बदलना है? दुकान। बदल सकते हैं? yes. कितने लोग? सारे बदलेंगे। सारे लोग। अभी भी कुछ लोग हैं ना मॉल में जाएंगे, अभी भी कुछ लोग दबाए हुए हैं। देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सिंपल सा काम है, 3 काम है सिंपल सा। पहला काम है दुकान बदलना है, और ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। हम लोग 1-1 रुपए के लिए दुकान बदल देते हैं, लाला ठग दिया छोड़ दिए, घर का है क्या? तो पहला काम है दुकान बदलना। दूसरा काम है बातें बदलना। क्या है? बातें बदलना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि हम दुकान बदलना चाहते हैं लेकिन हमारा जो टाइम है घर में वो कहां बीतता है? टीवी के सामने। अब यहां से जेपीजी मोटिवेट करके भेजते हैं जय आरसीएम, और शाम को सुनहरा प्रकट हो जाती है सुंदरता का राज लक्ष्य। अब जेपीजी वाला जो जादू है ना, एक तो इतना स्टाइल से सब बोलते हैं ना सुंदर लक्ष्य, जेपीजी वाला भूत उतर जाता है। सही गलत होता कि नहीं होता? एक बार मैं घंटा बताऊं, एक मैसेज देना चाहता हूं, दुकान लोग क्यों नहीं बदल पाए? बहुत नॉर्मल शब्द है, क्यों नहीं बदल पाते हैं? जाते हैं थैली लेके जाते हैं पिकअप सेंटर के, पहले पहुंचते उनको कई पोस्टर दिखता है, कौन सा मार्केट वाला, वो खींचता है, बुला लेता है कि उधर क्यों जा रहा है भाई, इधर आ जा। हम लौट आते हैं, एक स्टोरी में बताऊंगा आपको कि एक बार एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था लाइफ में, पाप पुण्य सब बराबर किए थे वो बेचारे, उनको उठा के भेजा गया जब यमलोक, तो वहां पे जाने के बाद यमराज के जो पीए है ना, क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त, वो हिसाब कर रहे थे। हिसाब करने के बाद उन्होंने क्या पाया, ये व्यक्ति का तो दोनों बराबर है, पाप और पुण्य दोनों क्या है, बराबर है। उन्होंने बोला कि इसको कहां भेजा जाए, हेडक्वार्टर फोन गया भाई पता करो कहां भेजे, इसका तो बैलेंस में है। तो बोले इसी से पूछ लो। यमराज ने बोला तू बता तेरे को कहां जाना है। वो भी बनिया बड़ा चालाक था, बोला कि पहले देखूंगा। क्या बोला? नरक जाना कि स्वर्ग जाना, पहले देखूंगा। तो बोला ठीक है शर्त मंजूर है, लेकिन एक शर्त है कि दरवाजे से दिखाया जाएगा। कहां से? दरवाजे के बाहर, अंदर जाना अलाउ नहीं, जो घुस जाता है बाहर नहीं आता। बोले ठीक है मैं बाहर से दिखा दो, कुछ तो समझ में आ जाएगा। तो पहले बोला कि पहले क्या देखोगे? तो पहले बोला स्वर्ग देखूंगा, बड़ा हल्ला है धरती पे, स्वर्ग लोग जाते हैं, पहले स्वर्ग देखूंगा। अब उसके दो दो मुच्छड़ वो यमराज के साथ में गए, जाने के बाद जब वहां गए गेट के सामने, तो वहां क्या देखता है कि बड़ा शांत माहौल, बिल्कुल उदास। इसके बाद दो दो मूछ वाले भाला लेके खड़े थे, कोई उसकी आव भगत नहीं, बड़ा गुस्सा है यार। बोला ऐसा कोई स्वर्ग होता है क्या? और अंदर भी कोई हलचल नहीं थी बात, गेट के अंदर भी। बोला लोग झूठे हल्ला मचाते हैं, ये स्वर्ग में बड़ा अच्छा होता है कुछ। बोला मैं नर्क भी देखूंगा के, उसको नर्क के दरवाजे पे लोग लेके गए। जब वहां पहुंचे, वहां जाते ही इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी अंदर से, बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। बोला यार धरती वाले पागल है,
कि ये एक स्वर्ग का गेट था, ये तो शुरुआत ही इतना अच्छा है। इसके बाद क्या हुआ कि अचानक दो अप्सराएं बाहर आती हैं और आने के बाद वेलकम, स्वागत है आपका, आइए हमारे हमारे परिवार में आप शामिल होइए, बड़ा अच्छा उनको लगा, फूल माला बरसाए जा रहे थे। बोला यार ये धरती वाले बिल्कुल पागल है, शोर हो गया। और अंदर से म्यूजिक चल रही थी, बड़ा अच्छा माहौल था, फूल पत्ती सब डेकोरेशन इतना शानदार था कि बोला कि मेरे को डायरेक्ट नरक में भेजो। क्या बोला? और जैसे ही एक पांव नरक के दरवाजे के अंदर डाला, तब तक क्या देख रहा है कि अंदर किसी को कढ़ाई में तला जा रहा है, किसी को बल्लम मारा गया है, ये बोला धोखा। और जैसे ही बोला धोखा, पांव धक्का मार के बाहर। क्यों? क्योंकि पांव गया, अलाउ नहीं। बोला कि आपने धोखा दिया। बोला धोखा नहीं बेवकूफ, ये हमारा एडवर्टाइज डिपार्टमेंट था। क्या बोला? कौन डिपार्टमेंट था? एडवर्टाइज डिपार्टमेंट। आएगा तू कैसे? सभी के सभी गेट देखे तेरे वाले बैलेंस वाले बहुत आते हैं, तू ही थोड़ा पहली बार बैलेंस करके आया है। तो सबके सब जो बैलेंस वाले देख के चले जाएंगे, यहां तो भर्ती बंद हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये जो एडवर्टाइज डिपार्टमेंट है ना, ये आपकी कार नहीं आने वाली है। मैंने उस एडवर्टाइज डिपार्टमेंट से बचाया अपने को, मेरे घर में सब कुछ हुआ। चाहते हैं हम लोग? Yes. पहला क्या करना है? दुकान बदलना है। दूसरा क्या? बातें। पांच साल एक बात खाली शुरू कर दीजिए। हमारे घर में एक ही चर्चा होती है आरसीएम की, कोई भी दूसरी चर्चा नहीं होती, किसी रिलेशन की चर्चा नहीं होती, एक ही बात की होती है आरसीएम 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 आरसीएम। कौन जीता कौन हारा वो आपका टेंशन थोड़े, टीवी बता देता है, टीवी बताता है। कुछ लोग क्रिकेट देखते हैं 12 घंटा, लास्ट क्या चाहते हैं देखना? रिजल्ट। अचानक आदमी वो है तो लास्ट में 12 घंटा ना देख के लास्ट में पता कर लेता है कौन जीता। हेलो, आपने बीपी बढ़ाया, अपना टाइम बर्बाद किया। तो जब रिजल्ट मालूम होना ही है टीवी से कहीं ना कहीं से, और 80% खबरें तो आपको दूसरा भी बताता है, जाने की जरूरत क्या है? लोग खुद बताते हैं कि किसके घर क्या हो रहा है पड़ोस में, कुछ तो लोग हैं ना हर मोहल्ले में, उनका सपोर्ट ले लीजिए, दिन में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए उसके यहाँ, फिर बता दे क्या क्या हुआ है मोहल्ले में, बता देगा, हमें रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत है। तो आप समझे, बातें बदलनी है। तीसरा काम है संगत बदलनी है। क्या करनी है? संगत, संगत बदलनी है। अगर आपने संगत बदल दिया, आपने कामयाब लोगों की संगत बदल दिया ना, संगत में आ गए, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि सीखने का धुन सवार हो जाए, आप अच्छी संगत में चले जाए, तो आप कामयाब हो सकते हैं। अरे आप मुझे बताओ, सीख सीख के अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, तो सीख सीख के आप टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बन सकते? Yes. अगर सीख सीख के कोई इंजीनियर बन सकता है, तो आप आरसीएम बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर क्यों नहीं बन सकते? अगर सीख सीख के कोई पायलट बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? यदि सीख सीख के हमारे समाज का हर काम किया सकता है, तो आरसीएम क्यों नहीं किया सकता है? यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस, आज तक किसी घरों में डॉक्टर पैदा नहीं हुआ, आज तक किसी घरों में इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, आज तक किसी घरों में आर्मी का जवान पैदा नहीं हुआ। बच्चा पैदा होता है, वो सीख सीख के आर्मी का जवान बनता है और सीख सीख के डॉक्टर बनता है। यस यस, यस। तो कर सकते हैं। यस, आप भी सीख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यूएसए में एक सर्वे हुआ था, यूएसए संगत के ऊपर, कि क्या संगत से चीजें बदलती है। चीन के एक छोटे से बच्चे को मुर्गियों के बच्चों के बीच में रखा गया। किसके बीच में? मुर्गियों के बच्चों के बीच में रखा गया। चील का बच्चा भी बड़ा होने लगा और मुर्गियों के बच्चे भी बड़े होने लगे। ये रियल घटना है सर, ये कहानी नहीं है, ये रियल एक्सपेरिमेंट है कि जब हमारे पशु पक्षियों पे असर पड़ता है संगत का, तो आप पे क्यों नहीं पड़ेगा। चील के बच्चे को बीच में कहा जाता है दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला और सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है। 80 किलोमीटर आधी की रफ्तार को चीर के बढ़ता है चील। 80 किलोमीटर की रफ्तार को चीरता है, आगे से चलता है, इतनी धार होती है उसके उड़ान में। सारे पशु पक्षी जब उनको हवा मिलती है कि आधी तूफान आने वाला है, तो अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे पहले संकेत मिलता है पशु पक्षी।
लेकिन चील डांस करना शुरू कर देता है और अपने बच्चों को तैयार करता है कि आज परीक्षा की घड़ी आ गई है, आज प्रैक्टिस की घड़ी आ गई है। इस धरती पे सबसे ऊंची पेड़ को चुनता है चील, सबसे ऊंचा पेड़ चुनता है और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अपने अपने पंजों से मार के फेंकता है और ऊंची ऊंची पेड़ों से फेंक के फिर उनको सपोर्ट करता है, बार बार फेंकता है जब तक बच्चे उड़ने न लगे। एक ऐसा चील का बच्चा जब मुर्गियों के बच्चों के बीच में रखा गया, 6 महीना तक उनके साथ कूदने खेलने के साथ जब फायरिंग हुई, पहली जब फायरिंग हुई तो सारे चील के बच्चे उछले और चील का बच्चा भी उछला। जबकि 6 महीने के चील के बच्चे में इतनी ताकत होती है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आधियों को भी सामना कर सके। लेकिन चील का बच्चा मुर्गियों के साथ रहने के कारण फुदकना सीख गया। एक बार फायरिंग हुई, 2 बार फायरिंग हुई, 3 बार फायरिंग हुई, 17 बार फायरिंग हुई और 17 बार को बच्चा उछला। क्यों? क्योंकि संगत किसकी थी, वो भूल गया था अपनी टैलेंट को। इसके बाद उसी चील के बच्चे को 6 महीने के बाद चील के बच्चों के झुंड में रखा गया। चील के सारे बच्चे थे, उसमें एक बच्चा ये था। फिर फायरिंग हुई, फायरिंग होने के बाद सारे चील के बच्चे उड़े, आसमान की बुलंदियों को छुए, लेकिन ये बच्चा उछला। उछला क्योंकि कहां से आया था? मुर्गियों के झुंड में से आया था। मुर्गियों के झुंड में से आने के कारण उछला, क्योंकि संगत थी उछलने वालों की। उछला, बार बार उछला, 1 बार उछला, 2 बार उछला, 16 बार उछला। लेकिन जब जब उछलता था तो साइंस को देखते थे सर्वे करने वाले, ये करता क्या है। तो जब जब उछलता था, गिरता था, चील के बच्चे जब उड़ के आते थे तो ये दौड़ दौड़ के जाके उन चील के सारे बच्चों को देखता था, उनके टांग को, उनके नाखूनों को, उनकी चोंचों को, उनके पंखों को। अरे ये तो मेरे जैसा है, ये उड़ता है, मैं क्यों नहीं। ये बार बार उसके अंदर उस भावनात्मक चीजें आती रही होंगी। क्या कर रहा था उस समय वो, आप बताओ मुझे, आप लोग इंसान हो, वो घूम घूम के क्या कर रहा होगा। हर किसी को देख रहा था कि मेरे जैसा है, इसका कलर मेरे जैसा है, इसके पंख मेरे जैसे, इसके चोंच मेरे जैसे, इसके पांव मेरे जैसे, अरे ये सब उड़ते हैं, मैं क्यों नहीं। 16 बार उड़ने को और गिरने के बाद वो बच्चा उड़ा और आसमान की बुलंदी को छुआ। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप चील के बच्चे नहीं है, आप इंसान के बच्चे हैं। अगर अजय दुबे आश्रम कर सकता है, जब भी मौर्य आश्रम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। संगत बदल दो उड़ने वालों की, उन मुर्गियों का संगत छोड़ दो। वो मुर्गी आपके माँ हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वही मुर्गी हो सकती है। उसके सोचने का तरीका क्या होगा, हम समझ नहीं पाते। जरूरी नहीं कि मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है तो मेरे पिताजी में इतना मोटिवेशन होगा कि बच्चे को मोटिवेट कर दे, जरूरी नहीं। मैंने जब आरसीएम स्टार्ट किया, मेरे पापा ने बोला कि तू नहीं कर पाएगा आरसीएम, अरे बोलने वाले लोगों का काम है। मैंने पापा से बोला, अरे बोलना तो बच्चा ही सीखता है, मैं भी बोलूंगा, मैं भी सीख जाऊं। सीखा कि नहीं सीखा? Yes. तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तैयार है करने को? Yes. तैयार है? Yes. तो जिन राहों में मुश्किल ना हो, राहों की मंजिल कैसी, जिस जीवन में संघर्ष ना हो उस जीवन की गति कैसी, जज्बात जीतने का लेकर जो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, कांटों को फूल बना लेते वो वीर पुरुष कहलाते हैं। अरे दुनिया याद करे उनको जो खास कोई कर जाते हैं, अरे उनका जीना क्या जीना है जो कुछ किए बिना मर जाते हैं। हर समय नाकामयाबियों का कफन ओढ़ क्या जीना है, हर समय अपनी मजबूरियों पे क्या रोना है। अरे उठ जाग ऐ नौजवान, ये कामयाबी की आगाज है, निराशा की चादर हटाकर तो देख तो इस जमाने का सर। ओके, थैंक यू, जय।